हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अवेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो है अटल भूजल योजना को लेके। अटल भूजल योजना को लेके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह प्लान इंडिया प्रोग्राम के तहत है, वो स्टार्ट की गई है। तो एक फिक तो यहाँ पे होगा। दूसरा यहाँ पे कहा गया इस स्टेटमेंट में कि सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है वो क्या जाएगा, किसके थ्रू? कम्युनिटी प्रैक्टिस, मतलब समुदाय की गतिविधियां हैं उनकी हेल्प से जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जाएगा और पेन इंडिया का प्रोग्राम है। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो फंडिंग है इसमें वो 50% तो आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 50% जो बची हुई फंडिंग है वो आएगी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखो, हम बात करें इसके बारे में यहाँ पे, तो एक्चुअली सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले स्टेटमेंट में क्या इश्यू है वो देखते हैं। जो अटल भूजल योजना है ना, उसमें ये बात तो बिल्कुल सही है कि कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उनकी हेल्प से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा। बट कौन से एरियाज में? उन एरिया में किया जाएगा जहां पे ग्राउंड वाटर की समस्या गंभीर है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो सिलेक्टेड स्टेट है जहां पे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा, जहां पे पानी का काफी स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेनली 7 स्टेट आते हैं इसमें। एक आता है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इन स्टेट में ये गतिविधि एक्टिविटी है वो चलाई जाएगी। तो ये इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा था। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक दोनों 50% पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में। देखो, आपको ये बताना है कि किसके द्वारा जारी है वो क्या कहता है। देखो, यह जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। हम थोड़ा इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं जो हमें थोड़ा में भी याद रह जाएंगे। देखो, इंडिया है उसकी इस बार रैंकिंग है वो 36 नंबर पे रही है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई इंडिया की रैंकिंग है वो कहाँ रही है। पिछले साल की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग थी 44 out of 50 कंट्रीज, तो इस बार इंडिया की रैंकिंग 8 स्थान पर आ गई है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? एनुअल इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो ये छोटा सा बस फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इंडेक्स और जो रिपोर्ट्स है ना, इनकी अलग से एक पीडीएफ या इनकी अलग से पीपीटी वगैरह बना के और उसको जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे आज या कल में पोस्ट वो कर दी जाएंगे जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं। अगर फिर भी कोई कमेटी रह जाएगी तो उनको हम आगे डिस्कशन में कंटिन्यू कर लेंगे और फिर जब भी मौका मिलेगा आगे तो उसको रिवाइज है वो वहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और कमेटी होती हैं तो उनको आप डेली अपने सामने जहाँ भी आप पढ़ रहे होते हो तो आप टेबल वगैरह के सामने चिपका लेना और जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार उनको आप रिवाइज कर लेना ताकि वो चीज़ें याद रह जाएं। क्योंकि देखो, ऐसे तो कमेटी वगैरह ये याद रहनी नहीं है, तो अगर एक बार आप उनको बार बार पढ़ोगे तभी याद रह पाएंगी। एक तरीके से बोल सकते हैं ये रटने वाली बात है इसमें। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है सीबीआई के बारे में। आजकल काफी न्यूज में रही है सीबीआई, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि स्टेट है कैन नॉट डिनाई एंट्री टू सीबीआई टू प्रोब केस रेफर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ कंसेंट ऑफ सीबीआई बाय स्टेट गवर्नमेंट कैन इफेक्टेड प्रोस्पेरिटी, और इसी के साथ यहाँ पे कर रहे हैं नॉन रिट्रोस्पेक्टिव। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है इसने, ये ध्यान रखना कि पूछा क्या है। अब हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही क्यों है? पहला स्टेटमेंट सही इसलिए कि उसने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट का अगर आदेश के बाद अगर कार्रवाई करी है सीबीआई तो स्टेट उसमें मना ही नहीं कर सकता। हाँ, तो बिल्कुल सही है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली फैक्चुअल फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई आप सीबीआई की जांच करो तो फिर स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती कि नहीं भाई हम जांच नहीं करने देंगे। स्टेट केवल तभी मना कर सकती है कि जब स्टेट का कुछ मैटर हो और स्टेट कह दे कि नहीं भाई हमें सीबीआई की इसमें जांच की जरूरत नहीं है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई बड़ी कोर्ट के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है उसके बाद में से एनजीटी वगैरह ने कह दिया तो उस कंडीशन में वहां पे सीबीआई है वो जांच करेगी। और ये आपको पता है सीबीआई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, उसके तहत इसका निर्माण है वो क्या क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम वगैरह के सॉरी जो भी एक तरीके केसेस होते हैं इंडिया के लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, तो उनकी जांच है वो सीबीआई के द्वारा की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, आपको दोनों स्टेटमेंट वो सही हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन IORA के बारे में। पहला स्टेटमेंट यह है कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि ऑल सोवरेन स्टेट ऑफ इंडियन ओशियन ड्रीम आर एलिजिबल टू फॉर मेंबरशिप फॉर द एसोसिएशन। और तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया इज द करंट चेयर ऑफ IORA। तो देखो, ये हम बात करें यहाँ पे, तीसरा स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है कि भाई इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन की जो अभी चेयरपर्सन की बात है वो इंडिया के पास नहीं थी 2017-18 वाली।
तो इसलिए यहाँ पे बात को 63 में साफ साफ गलत हो गया। तो देखो तीसरा आप यहाँ पे गलत करोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा, आपके पास ऑप्शन सिर्फ बी बचेगा कि ओनली बी है, तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन फिर भी हम देख लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में इसको बनाया गया था, 22 कंट्रीज हैं और 19 के डायलॉग पार्टनर भी हैं। कंट्रीज कौन सी इसकी मेंबर है, ये तो होगा हमारा इंडियन ओशियन, तो ये जो हिस्सा इंडियन ओशियन की जो पड़ोसी कंट्रीज होगी जैसे इंडिया भी और भी जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान है वो इंडियन ओशियन टीम एसोसिएशन का मेंबर है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो इंडियन ओशियन के बॉर्डर टच होता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान इंडियन ओशियन टीम एसोसिएशन का मेंबर है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक कालम के बारे में। क्वेश्चन ये है कि एक कालम में जो है एक एरोफोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इतना ध्यान रखना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अभी न्यूज में था, तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो देखो हम बात करें एक कालम, तो एक बार इसकी फोटो देख लेते हैं तब ये जल्दी याद है वो रहेगा। ये कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि जो एक तरह सेना ही होती है उसी टाइप का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो होता है, जो कि मैंने तमिलनाडु में यूज है वो किया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। अभी न्यूज में क्यों था, अभी न्यूज में इसलिए आया है कि यूनियन जो होम मिनिस्ट्री है ना उसने एक ग्रुप था जिसका नाम है तारिक उल मुजाहिदीन, इसको अभी बैन कर दिया किसके तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो देखो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के तहत प्रावधान क्या है। अनलॉफुल एक्टिविटीज देखो नाम से पता चल रहा है कि हम लोग के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज हैं उनसे बचने के लिए एक्चुअली एक्ट है वो लाया गया। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है बात के जो होम मिनिस्ट्री है वो कोई भी ऐसा ग्रुप हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हो किसी ग्रुप या एनजीओ के द्वारा तो उसको बैन कर सकती है जो कहीं ना कहीं हमारे देश की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो या फिर कहीं ना कहीं हमारे देश को डिवाइड करने के लिए या फिर रेडिकल किसी भी चीज को प्रमोट करी हो, चाहे टेररिज्म हो या फिर कोई और भी टाइप की चीज हो सकती है, मतलब प्रॉपर जो कट्टरवाद वाली ऐसी चीज होती है जिससे कि सांप्रदायिकता बढ़ सकती है, देश की सॉवरेनिटी को खतरा है, तो उस कंडीशन में उसको बैन है या ब्लॉक है वो किया जा सकता है। तो अभी जो यहाँ पे तारिक उल मुजाहिदीन है उसको अभी बैन किया गया है, क्यों, क्योंकि उसने टेरर एक्टिविटीज है, टेररिज्म है, रेडिकल इस्लामी को वो काफी ज्यादा मतलब प्रमोट कर रहा था और इसीलिए। अब हम थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं, यूपीएससी में भी पूछ सकती है कि तारिक उल मुजाहिदीन के बारे में। देखो ये बेसिकली बनाया था 1990 के टाइम पे, इसका मोटो ये था उस टाइम बनाने का कि जो इंडिया वाला जो कश्मीर जिसकी हम बात करें, जो हमारा कश्मीर है उसको आजाद कर, लिबरलाइजेशन ऑफ कश्मीर को लेके इसको स्टार्ट है वो किया गया था और इसके लिए लड़ाई करा था, तो इसको पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग दी जा रही थी और भी काफी सारे जो टेररिज्म ग्रुप हैं उनके द्वारा फंडिंग है वो दी जा रही थी, तो इंडिया में काफी बम धमाके वगैरह मतलब काफी उन गतिविधियों में संलिप्त था वो पाए गए थे, तो कहीं ना कहीं इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट था इसीलिए इसको बैन भी किया गया। और ये देखो जो एक्ट है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी बार इसको अमेंडमेंट वगैरह किया गया है, तो ये तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव। तो देखो यूपीएससी डायरेक्टली तो ये पूछ सकती है कि जो वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा जारी किया गया, स्टेटमेंट मिल जाएगा अपन को इंडिया के वगैरह वगैरह इस तरीके से, या फिर स्टेटमेंट में दे दे कि इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया वगैरह। तो देखो हम बात करें वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव के बारे में, तो ये यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूएस का यह इनिशिएटिव है। क्यों, इसका मोटो ये रखा गया है कि यूएस के अंदर 50 मिलियन जो वुमेन है उनको कहीं ना कहीं डेवलपिंग वर्ल्ड है इसके अंदर उनकी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सके, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो 50 मिलियन जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए इकोनॉमी में और उनको आगे डेवलप किया जाए। वुमेन पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसमें मोटो रखा गया कि नेक्स्ट जो 6 साल है उसमें 50 मिलियन वुमेन को एक तरीके से इस तरीके से डेवलप या इस तरीके से उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि उनका वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, लगते से वुमेन इनिशिएटिव के तौर पे इसका यूज है वो किया गया है। तो हम कहीं ना कहीं एक तो आंसर राइटिंग में सजेशन के तौर पे इसका मेनली यूज है वो कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का वाइड प्रोजेक्ट है काफी लंबा, तो ये किसके द्वारा जरिए किया वो तो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब इसका एम मैंने आपको बताया कि जो इस प्रोग्राम इसका मोटो ये है कि वुमेन है उनको हर एरिया में चाहिए जॉब में ट्रेनिंग हो, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो, लीगल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं वो सब उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एक माहौल दिया जाएगा ताकि वो अपनी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सुनिश्चित कर सकें, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है रिवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, RIS के बारे में। देखो आपको पता है कि अभी जो हमारा इनलैंड वाटरवे 1 था उसको अभी एक्टिव फॉर्म में ला दिया गया था, उसमें काफी सारे डेवलपमेंट है वो किए गए थे, तो उसी को लेके न्यूज है वो आई है। इसमें ये रिवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक तरीके का ये सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि जो हमारी रिवर है उसकी सारी डिटेल्स वहां पे रहेंगी,
किस तरीके की डिटेल, जैसे कि पोर्ट है उसको सेफ वगैरह करने के लिए गाइडलाइंस वगैरह हो गई, या फिर और बात करें ट्रांसपोर्ट की प्रोसीजर वगैरह हो, रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस कि कौन सी पोर्ट बोट है वो कब आ रही है, कौन सा शिप कब जा रहा है आ रहा है, तो इससे क्या होगा, एक ट्रैफिक है वो भी मैनेज रहेगा इनलैंड वाटरवे के द्वारा। ये काफी सारे बेनिफिट इसके रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है इसको मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर है उसको स्मूथ करने के लिए ये सिस्टम है वो डेवलप किया गया है। तो अभी ये इनोग्रेट किया गया फरक्का से लेके पटना के बीच में, तो अभी स्टार्ट कहाँ पे किया गया, ये इनलैंड वाटरवे 1 के ऊपर मेनली स्टार्ट है वो किया गया है। कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो भी हम देख लेते हैं। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि स्टेचुरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आती है, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा, वो इसको मॉनिटर वगैरह करेगी। अब देखो उसके फायदे क्या होंगे, इसका फायदा एक तो ये होगा कि हमारे पोर्ट और डिजिटल हो जाएंगी, इसके साथ ही नेविगेशन सेफ्टी है वो सुनिश्चित हो सकेगी, जो शिप वगैरह में कॉलिजन वगैरह होता है, भीड़ मतलब भिड़ंत होती है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो इनलैंड वाटरवेज है इनका ढंग से यूज किया जा सकता है, ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसमें भी काफी हेल्प है वो मिलेगी। तो ये इसके बेनिफिट हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है दर्द आर्यन जनजातीय दर्द आर्यन ट्राइब के बारे में, तो देखते हैं क्या है। कंटेक्स्ट देखो अभी आया था कि जो दर्द आर्यन ट्राइब है इसका भी उत्सव है वो मनाया गया था दिल्ली में, तो इसमें यूपीएससी पूछ सकती है भाई कहां से बिलोंग ये करती है, क्योंकि देखो न्यूज में इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको यह ध्यान रखना है कि दर्द आर्यन जो प्रजाति है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख वाला रीजन है ना उसमें मेनली पाई जाती है, लेह के आसपास, मतलब जम्मू एंड कश्मीर इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी इतना देखो रटने की जरूरत नहीं है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फैक्ट के लिए हम देख लेते हैं, काफी इसके रूल है वो काफी लिबरल होते हैं और मैंने इनको आर्यों का वंशज है वो माना जाता है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए। तो हमें यह ध्यान रखना कि दर्द आर्यन जो ट्राइब है वो जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख या लेह लद्दाख वाले रीजन से बिलोंग है वो करती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है विश्व का फर्स्ट निजी लूनर लैंडर, लूनर मतलब मून के ऊपर एक लैंड करने के जो लैंडर बनाया गया है वो बनाया गया है पहला प्राइवेट लैंडर एक तरीके का, वो किसके द्वारा बनाया गया है, इसराइल का एक एनजीओ उसके द्वारा, बस यही फैक्ट हमारे लिए कुछ काम का है जो मे बी यूपीएससी पूछ ले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसराइल का एक एनजीओ है उसने पहला अपना लूनर लैंडर बनाया जो कि मून पे जाके लैंड है वो करेगा, तो इससे बोल सकते हैं कि प्राइवेट लूनर लैंडर उन्होंने डेवलप है वो किया है। काम क्या है इसका, मून के ऊपर जाके वहां की जांच प्लस स्टडी करना, ऑब्वियसली उसके यही काम है वो होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है देश की सबसे लंबी सुरंग के बारे में। देखो अभी देश की दूसरी सबसे बड़ी लंबी सुरंग है वो कहाँ पे बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है केरला के अंतर्गत, तो यह इसमें इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए वो है यहाँ पे विजिजम इंटरनेशनल मल्टीपर्पज डीप वाटर सी पोर्ट, तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि भी है क्या। देखो डीप वाटर सी पोर्ट है और इसको जो कनेक्ट करने के लिए मेन एरिया से इसके लिए 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है वो बनाई जा रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेलवे के दौरान कहाँ पे, केरला वाले रीजन में, तो ये कुछ फैक्ट है। ये बेसिकली जो कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम रेल लाइन है वहां पे इसको डेवलप किया जाएगा कोकणम रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये तो सब इतना कुछ काम का नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना कि कहाँ पे सबसे लंबी दूसरी सुरंग है वो बनाई जा रही है इंडिया में, ये इसके बारे में फैक्ट भी पूछ सकता है इनडायरेक्टली भी, और कहीं ना कहीं इसका यूज है वो हो सकता है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।